मैं आपको प्याज के पकौड़े बनाना सिखाऊंगी, जिसमें हमें क्या क्या लेना है। बेसन, कुछ प्याज लेने हैं, हरी मिर्ची, अदरक और रिफाइंड ऑयल। पहले तो हमें ये प्याज काटने हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कट करना है, कुछ ऐसे ऐसे। देख सकते हैं कितने प्याज काटे हुए हैं मैंने, इनके इतने इतने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। और मैंने कुछ अदरक का जो दो टुकड़े थे उसको भी मैंने कद्दूकस किया है, और मिर्ची को मैंने लंबे स्लाइसों में कट किया है। सबसे पहले हमने बेसन डेढ़ कटोरी ली है, इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा ठीक ही रहने देना। और जो हमारी अदरक कटी हुई है ये इसमें डाल देने, अदरक मिर्ची, इनको भी अच्छे से गोलना है। इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है, हल्दी पाउडर हमने इसमें मिक्स किया है, 2 स्पून नमक, थोड़ी सी मिर्ची। देख सकते हैं पूरा ऐड हो चुका है, होने लगा है। बिल्कुल सॉफ्ट टच में आना चाहिए। देख लीजिए कितना अच्छा हो गया इसका, इसका टेक्सचर कितना प्यारा आया है। तो अब हमें जो हमने ये प्याज कटे हुए हैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करने हैं। इसमें ज़्यादा मोटापन नहीं आना चाहिए, प्याज हमें दिखने चाहिए ताकि हमारे जो ये पकौड़े हैं थोड़े से क्रिस्पी लगे। धीरे धीरे करके हमें सारे जो प्याज हैं हमारे कटे हुए वो सारे इसमें ऐड करने हैं। देख सकते हैं आप, प्याज आराम से देख सकते हैं, प्याज ऊपर की ओर आ रहे हैं, ज़्यादा इसमें बेसन की लेयर नहीं है। देख लीजिए ये सारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। और यहाँ से साइड में मैंने कढ़ाई लगाई हुई थी, इसमें तेल डाल के रखा हुआ है मैंने, काफ़ी गर्म हो चुका है तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डाल देंगे। इसी तरह से हमें सारे पकौड़े डालने हैं, जब तक हम सारे ना निकालें डालने हैं। सारे पकौड़े इसमें डालते हुए बाद में थोड़ा सा हमें इसको लो फ्लेम रखनी है कि प्याज जल ना जाए।
देख सकते हैं इसका हम थोड़ा गोल्डन कलर आ चुका है। जितनी देर ये बनेंगे हमारे पकौड़े रेडी हो जाएंगे उतनी देर में आपको दिखाऊंगी कि हमें चटनी भी बनानी है इसके साथ, जिसके साथ हम खा सकते हैं। तीन चीज़ें चाहिए चटनी के लिए, हमें तीन चीज़ें चाहिए हैं, धनिया, हरी मिर्ची और चार नींबू और नमक डालना है। चलिए हम शुरू करते हैं, तब तक जब तक हमारे पकौड़े बन के तैयार ना हो जाए तब तक हम चटनी बना लेते हैं। देख सकते हैं हमारी जो चटनी हमने यहाँ पे ग्राइंडर में डाली थी ये रेडी हो चुकी है। देखिए हमारे पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं, अब हमें इनको एक-एक करके निकालने हैं। देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, ये क्रिस्पी तभी बनेंगे जब भी इसको बेसन का लेयर ज़्यादा मोटा ना हो। हमारी प्याज बिल्कुल दिखने चाहिए। इसी तरह से हमें सारे पकौड़े बनाने हैं। देख सकते हैं हमारे सारे पकोड़े बन के रेडी हो चुके हैं, कितने क्रिस्पी हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो हमने स्पेशल चटनी बनाई है इसके साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।